आंसुओं के चित्कार के बीच अंतिम संस्कार के लिए चारों ओर लोगों का हुजूम अपने गांव के शहीद बेटे के अंतिम दर्शन के लिए आया था। सबकी जुबान पर अपने शहीद भाई, अपने शहीद बेटे के लिए सिर्फ एक ही अल्फाज थे, वो ये कि शहीद अमर जवान अमर रहे, शहीद अमर जवान अमर रहे। इस बीच छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कासौली गांव से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सभी के दिलों को झकझोर दिया। जिसने भी ये तस्वीर देखी उसकी आंखें नम हो गई। अपने शहीद पति की चिता पर लेटी ये महिला शहीद जवान लखमू मरकाम की पत्नी है। दरअसल अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच जब शहीद लखमू को चिता पर लेटाया गया तो उनकी पत्नी रेशमा भी चिता पर उनके साथ लेट गई। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस दौरान परिजनों ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन शहीद की विधवा अपने पति के साथ जाने की जिद करती रही, कई बार बेहोश भी हुई। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। इसके बाद जैसे तैसे शहीद लखमू की पत्नी को चिता से हटाया गया और जवान का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद लखमू छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले थे। लखमू ने 29 जनवरी 2016 को DRGA ज्वाइन किया था। पिछले 6.5 साल से वो नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी भूमिका निभा रहे थे। 26 अप्रैल को हुए नक्सली हमले में 39 साल के लखमू की मौत हो गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को हुए इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया था और ये धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जिस बम का इस्तेमाल किया था उसमें 50 किलो विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल हुआ था। इस घटना ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को हिला दिया है।